आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में डीपीसी कार्यालय में नियुक्ति देने के नाम पर 30,000 रुपए रिश्वत लिए जाने के मामले में कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 कर्मचारियों को कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने निलंबित कर दिया है, जबकि डीपीसी पर कार्रवाई के लिए प्रस्ताव तैयार कर संभागीय कमिश्नर को भेजा गया है। जिला परियोजना समन्वयक देवकरण मिश्र द्वारा आउटसोर्स से एमआईएस पद पर नियुक्ति के लिए विकासखंड जवा निवासी चंद्रलोक मिश्रा से 50,000 रिश्वत की मांग की गई थी, जिसमें पीड़ित द्वारा 30,000 रुपए बतौर एडवांस दे दिए गए थे। जब संबंधित को नियुक्ति नहीं मिली तो उसने एडवांस में दी गई राशि डीपीसी देवकरण मिश्र से मांगना शुरू करा एवं बातचीत का ऑडियो भी अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। डीपीसी द्वारा संबंधित को पैसा वापस न कर उल्टा तरह तरह की धमकी दी जानी शुरू कर दी। पीड़ित ने शपथ पत्र एवं पैसा मांगने का ऑडियो सीडी जिला कलेक्टर को सौंपा। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने सोनाली देव सहायक कलेक्टर की अध्यक्षता में 2 सदस्यीय टीम, जिसमें तत्कालीन डाइट प्राचार्य सुदामालाल गुप्ता एवं सहायक कोषालय अधिकारी पुष्पराज सिंह को जांच हेतु नियुक्त कर 3 दिवस के भीतर जांच प्रतिवेदन चाहा। समिति ने साक्ष्य एवं पीड़ित द्वारा दिए गए बयान के आधार पर रिश्वत के लेन देन मामले में प्रथम दृष्टया यह पाया कि उक्त सारे प्रकरण पर डीपीसी कार्यालय में अटैच सहायक ग्रेड 3 वंशमणि मिश्रा, जिसकी मूल पदस्थापना नई गढ़ी में है, वह भी पूरे मामले में संलिप्त है, जिसे दोषी मानते हुए जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और निलंबन अवधि में संबंधित का जिला पंचायत कार्यालय रीवा नियत किया गया है। वहीं डीपीसी देवकरण पर कार्रवाई के लिए कलेक्टर द्वारा प्रस्ताव तैयार कर संभागीय कमिश्नर को भेजा गया है, जहां से 1-2 दिन में कार्रवाई हो सकती है। के ऊपर कार्रवाई हुई है क्या पूरा? डीपीसी के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें एक कोई ऑडियो था जिसमें ये शिकायत थी कि उन्होंने किसी से कोई राशि की मांग की है। इस शिकायत के लिए एक जांच कमेटी गठित की गई थी। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में शिकायत को सही पाया और इसी तारतम्य में जो जिनकी शिकायत की गई थी उनके निलंबन का प्रस्ताव कमिश्नर सत्य भेजा गया है। साथ ही डीपीसी कार्यालय के बाबू थे, उनकी भी संलिप्तता इस केस में पाई गई थी, उनको निलंबित किया गया।